सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि प्रभुपाद जी ने ऐसा क्या किया कि इस्कॉन इतना बड़ा बना कि, और यहीं पे हम लोगों का अक्षय पात्र का रसोई है जो आप सब लोगों ने सुना होगा अक्षय पात्र फाउंडेशन के बारे में। हेलो सर। हेलो हेलो, आपका नाम क्या है? जमुना जीवन कृष्णदास। आप हो कहाँ से बेसिकली? आप इंडिया के हो या फिर? मैं राजस्थान से हूँ, भीलवाड़ा से हूँ मैं। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि प्रभुपाद जी ने ऐसा क्या किया कि इस्कॉन इतना बड़ा बना कि इस्कॉन के ग्लोबली इतने फॉलोवर्स हैं कि वो आज गिनतियों में भी नहीं काउंट हो पा रहे हैं, तो ऐसा क्या है इस्कॉन में? प्रभुपाद जी ने ऐसा क्या किया? प्रभुपाद जी, अगर हम लोग हिस्ट्री देखें तो 1965 के अंदर वो जो है अमेरिका जाते हैं, उनके गुरु का आदेश होता है। जब 1922 में पहली बार जब वो अपने गुरु से मिलते हैं तो उनके गुरु उनको बोलते हैं कि आपको जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड के अंदर आपको जो है भगवद्गीता का प्रचार करना है और हरे कृष्ण का प्रचार करना है। तो वो विदेश के अंदर जाते हैं, और क्योंकि हमारी भगवद्गीता बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही लॉजिकल है, तो उन्होंने जो साइंटिफिक ब्रेन है, जो लॉजिकल ब्रेन है वेस्टर्न, उनको जब वो बताते हैं तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। और क्योंकि ये बहुत ही जेन्युइन प्रोसीजर है, बहुत ही प्रामाणिक तरीका है, तो जो यंगस्टर्स होते हैं वो इसको स्वीकार करते हैं। इस कारण से आज जो है इसको उनके बहुत सारे लाखों करोड़ों की संख्या में पूरे विश्व भर में जो हैं उनके अनुयायी हैं। आज विश्व में करीब 1000 के करीब इसको उनके हरे कृष्ण के मंदिर हैं। तो अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जो भी 2020 में हमने इतने पेंडेमिक देखे, इतनी बीमारियां देखी, इतने क्राइसिस देखे, तो अब मेरा सवाल ये कि गीता इस पे क्या कहती है कि हमें इसे कैसे हैंडल करना चाहिए, या फिर कोई तरीका हो जिसे आप लोगों को बताना चाहें? इनफैक्ट गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम दर्शनम। एक व्यक्ति को देखना चाहिए जीवन में जो चार दोष हैं, जो चार दुख हैं, चार तरह के भगवान बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा जरा और व्याधि बीमारी। तो ये चार चीज़ें सृष्टि की स्टार्टिंग से ही रही है, तो व्याधि है किसी न किसी रूप में रही है। तो भगवान बताते हैं कि हमें उस चीज़ के बारे में प्रयास करना चाहिए मनुष्य जीवन के अंदर, कि उस जगह पे हम लोग जाएं जहाँ पे ये चार चीज़ें नहीं हैं। तो इस भौतिक जगत को भगवान बताते हैं कुंठा जगत, है ना, कुंठा यानी एंग्जाइटीज़। और जो भगवान का धाम है उसको बोलते हैं वैकुंठ, विगत कुंठा इति वैकुंठा। जो भगवान का धाम है वहाँ पे एंग्जाइटीज़ नहीं है, वहाँ पे डिजीज़ नहीं है किसी तरह। ये चार तरह की जो समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि बर्थ डेथ ओल्ड एज और डिजीज़ नहीं है। तो एक्चुअली हमें सारी तरह की बीमारियों से अगर हमें मुक्त होना है तो हमें भगवान के धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। उसका जो इन्फॉर्मेशन है भगवद्गीता के अंदर बताया गया। तो भगवान गीता में बताते हैं न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका। तो हमारे भौतिक जगत को बताते हैं ये अंधकार में है, है ना। ओम बोलते हैं हम लोग अंधकार से प्रकाश की तरफ जाएं, ये उपनिषदों का एक श्लोक है, मंत्र है। तो इसलिए क्योंकि अंधकार में ही है इसलिए हमें सूर्य की जरूरत पड़ती है, चंद्रमा की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। लेकिन भगवान बताते हैं न तद भाष्यते सूर्यो, मेरा धाम ऐसा जहाँ पे न तो सूर्य की जरूरत है, न चंद्रमा की जरूरत है, न ही इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, वो स्वयं प्रकाशमान है। तो उस जगह पे हम लोग जाएंगे तो हम लोग सारी समस्याओं से, सारी प्रॉब्लम से हम लोग बाहर आ सकते हैं। बाकी जब तक हम लोग भौतिक शरीर के अंदर हैं, भौतिक जगत में, तो किसी न किसी प्रकार की बीमारी आएगी, तो उसे हमें घबराना नहीं चाहिए, उसे हमें टॉलरेट करना चाहिए। तो गीता में भगवान बताते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दा। जैसे अभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही तो किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसको टॉलरेट करना चाहिए, नहीं क्योंकि ये आते हैं और चले जाते हैं। सर्दी कोई परमानेंट नहीं है, अभी कुछ समय बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही, कुछ समय बाद धीरे धीरे कम हो जाएगी, फिर गर्मी आ जाएगी, हाँ, तो ये चक्र में चलता रहता है। तो अभी ये कोरोना बहुत ज़्यादा हैवी है समाज में, बहुत ज़्यादा उसके डिजीज़ हैं, कुछ समय बाद ये चला जाएगा लेकिन दूसरी डिजीज़ आ जाएगी। तो जब तक हमारा भौतिक शरीर है हमें इसको टॉलरेट करना चाहिए। तो मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जैसे इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं वो ग्लोबली ज़्यादा है, इंडिया में कम है,
तो इसकी कोई वजह है या फिर हैं बस लोगों को पसंद है ऐसे कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं, आज के टाइम में जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, स्पेशली रशिया के अंदर और अमेरिका भारत के अंदर इसको उनके हरे कृष्णा के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अब मेरा एक सवाल आपसे ये है कि विदेशी क्यों ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इस्कॉन के लिए, जबकि वो उनके रिलीजन से भी अलग सब हो जाता है। हाँ। तो अब सवाल करेक्ट, जो बाइबल है जो जनरली अगर आप बाहर जाएंगे अमेरिका यूरोप में ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग हैं, तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार कर रहे थे तो जो बाइबल में क्या 10 कमांडमेंट्स हैं, तो बाइबल की पहली कमांडमेंट है दाउ सेल नॉट किल, आप किसी की हत्या नहीं करेंगे। परंतु हम लोग देखते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो बड़े बड़े स्लॉटर हाउसेज हैं जहाँ पे लाखों करोड़ों जानवरों को मास लेवल पे मारा जाता है, तो जब यंगस्टर्स जब देखते हैं कि जो बाइबल में लिखा है और जो सामान्य लोग जो हैं जो प्रीस्ट हैं जो पादरी हैं और जो क्रिश्चियन फॉलोवर्स हैं वो सारे मांसाहार कर रहे हैं, जीसस क्राइस्ट की जो शिक्षा है उसका पालन नहीं कर रहे, तो युवा लोगों का जो है धर्म से उनसे विश्वास उड़ जाता है, वो उसको उतना सीरियसली नहीं लेते। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो उन्होंने इसको साइंटिफिकली बताया कि भाई जब सभी जीव भगवान के अंश हैं, जब आप सभी जो जीव हैं वो भगवान के बेटे हैं, उनके पुत्र हैं, तो एक बेटा दूसरे बेटे की हत्या कैसे कर सकता है? तो उन्होंने साइंटिफिकली लॉजिकली उनको बताया भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में, तो उन्होंने उसको समझा और उन्होंने जब उसको जीवन में पालन करा तो उनको एक आनंद है, सुकून है, शांति है उनको मिला। तो इस वजह से विदेशों में भी इसको उनके हरे कृष्णा के लाखों करोड़ों जो हैं अनुयायी हैं आज। तो अगर आप चाहें तो कुछ बातें बताइए गीता के बारे में जो हमें जाननी चाहिए, आप पर्सनली आप बताइए जो आपको अच्छी लगती हैं, जो हम जवान हम बच्चों को जाननी चाहिए, सबको जाननी चाहिए आपको। करेक्ट, तो भगवद गीता एक्चुअली भगवान कृष्ण का जो है मनुष्य जीवन के प्रति एक मैनुअल है। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, आपने एक प्रोजेक्टर ख़रीदा, तो प्रोजेक्टर ख़रीदते हैं तो जो कंपनी होती है, जो मैन्युफैक्चरर होती है, जैसे सैमसंग कंपनी, तो सैमसंग कंपनी उसके साथ में एक मैनुअल देती, एक छोटा सा बुकलेट देती, उसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि इस प्रोजेक्टर को कैसे ऑन करना है, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या क्या हम लोग इसमें काम में ले सकते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है। तो आइडियली क्या होना चाहिए, आप उसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आप मैनुअल पढ़ेंगे, उसको अच्छे से 2-3 बार पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप उस प्रोजेक्टर को यूज़ में लेंगे। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन का जो मैनुअल है वो भगवद गीता है, तो हमें भगवद गीता पढ़नी चाहिए और उसके हिसाब से हमारे जीवन को जो है गाइड करना चाहिए, उसके हिसाब से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। तो भगवद गीता जो है मनुष्य जीवन का मैनुअल। लोग हरे कृष्ण का जाप क्यों करते हैं, मतलब हरे कृष्ण का जाप करते हो तो ऐसे मतलब फीलिंग अच्छी आती है, और भी मतलब और भी मन वो है, तो बाकी वो क्यों नहीं करते? हाँ, अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग हैं जो यज्ञ करते हैं, कुछ लोग हैं मंदिर में भगवान की उपासना करते हैं, कुछ लोग जप करते हैं। हाँ जी। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि अलग अलग युगों में उस देश उस युग में जो परिस्थितियाँ थी उसके हिसाब से अलग अलग तरीके बताए गए। तो सत्ययुग में मेडिटेशन बताया गया था क्योंकि उस समय लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा होती थी, करीब 1 लाख साल लोग जीते थे और लोग हिमालय पर जाके वहाँ पर मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे। जैसे वाल्मीकि जी ने 60,000 साल तक तपस्या करी, तो अभी हमारे पास उतना समय ही नहीं कि हम लोग मेडिटेशन कर सकें, ध्यान कर सकें, और अभी जो है हमारा माइंड भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अगर हम लोग मेडिटेशन करने बैठेंगे तो हमारे मेडिटेशन में भगवान नहीं आएंगे, हम लोग के बहुत ज़्यादा वो चीज़ें। उसका कोई रीज़न? क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटीज़ है लोगों के अंदर, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए उसके माइंड में हमेशा प्रॉब्लम्स रहती, और इसलिए इस युग में बड़ा सिंपल सा तरीका बताया गया है कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलऊ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। मतलब शास्त्रों में 3 बार बताया गया है, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। जब हमें किसी चीज़ पे जोर देना होता है तो हम लोग उसको 3 बार रिपीट करते हैं। वैसे कोर्ट में जज बोलता है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, वो बोलते हैं तलाक तलाक तलाक, मतलब तलाक हो गया, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। उसी प्रकार से शास्त्र बोल रहे हैं कि हरेर नाम हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, और विशेष रूप से ये हरे कृष्ण मंत्र जो हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र शास्त्रों के अंदर बताया गया, तो इसलिए हम लोग इसका जप करते हैं, इसका हम लोग कीर्तन करते हैं। वैसे इस मंदिर का नाम क्या है? इस मंदिर का नाम है कृष्ण बलराम मंदिर। और ये कहाँ पर है, मतलब लोकेशन, कोई आसपास कोई आना चाहता हो तो? मुझे तो लोकेशन बहुत अच्छी लगी, मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को भी इधर आना चाहिए, बहुत अच्छी है लोकेशन। ये जगतपुरा के अंदर है, मेन रोड पे, इसको बोलते हैं महल रोड, महल रोड पे ये मंदिर है, मेन रोड है उसके पर, और ये करीब 8 साल पुराना मंदिर है, 2012 में ये बना था,
और यहीं पे हम लोगों का अक्षय पात्र का रसोई है, जो आप सब लोगों ने सुना होगा अक्षय पात्र फाउंडेशन के बारे में। तो यहाँ से करीब जयपुर और उसके आसपास 40 किलोमीटर में हम लोग जो हैं करीब 1.5 लाख बच्चों को यहाँ से हम लोग भोजन भी कराते हैं। 1.5 लाख बच्चों को, अनाथ बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके लिए हम लोग मिड डे मील, मतलब देखिए कि 1.5 लाख बच्चों। धन्यवाद जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।